कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब है और बड़ों छोटों को सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी इस रेसिपी को कैसे बनती है। आप हमारे साथ बने रहिए, रेसिपी को आप पूरा देखना। चने बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा कटोरी चना लिया था, जिसको मैंने 5 घंटे पहले ही भिगो दिया था। और ये देखिए, ये एकदम अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसको हम कुकर में डालेंगे। चना हमने कुकर में डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1.5 बड़ा गिलास पानी डाला है। अब बंद करके गैस पे रख के हम 5 सीटी लगवाएंगे। चने के तड़के के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 3 प्याज, 4 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 3 टमाटर और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। जब तक हमारे चने उबल रहे हैं, तब तक हम इनका बारीक पेस्ट बना लेते हैं। चाहे तो आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, चाहे हाथ की सहायता से भी काट सकते हैं, या फिर चॉपर की सहायता से भी कर सकते हैं। तड़के के लिए हमने हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक का एक साथ पेस्ट बना लिया है और टमाटर का अलग से बना लिया है। तड़का लगाने के लिए अब हमने लिया है कढ़ाई। अब इसमें हम डालेंगे तेल। यहाँ पे हमने 4 चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई 2-3 लहसुन की कलियाँ, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 4 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 छोटी हरी इलायची, 3 लाल सूखी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे बारीक किया हुआ हमारा प्याज का मसाला। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे हींग डाल रहे हैं। इनको ब्राउन होने तक पका लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और इनको भी अच्छे से थोड़ा सा सेक लेते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक हमने पहले उबलते टाइम भी डाला था चने में, इसलिए उसी हिसाब से हम डालेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से, कम मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्च वगैरह या फिर जो भी हमने खड़े मसाले डाले हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही और इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपने उबले हुए चने और इनको अच्छे से हम मिला देते हैं। इसमें हमने
आधा गिलास पानी डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के और दो चार मिनट और पका लेते हैं ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो चने के अंदर अच्छे से चला जाए। ढक के पका लेते हैं। चने हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया हमने डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए चने हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सबको राधे राधे।